इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के पीठ पे छुरा भोंका है। अब आप अलगाववाद समर्थक पार्टियों को बुला रहे हैं, पाक समर्थक पार्टियों को एपीएम में बुला रहे हैं, हम आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आपको जम्मू की लीडरशिप को भी बुलाना चाहिए था। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, तिरंगा उठाने वाले लोग हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। तो पैंथर्स पार्टी एक वाहित पार्टी होगी जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करेगी। हम दिल्ली में कूच करेंगे, हम इनके लीडर्स का घेराव करेंगे और पार्लियामेंट को भी घेरेंगे। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब गुपकार गैंग का हिस्सा। जहां आपने पाक समर्थक पार्टी को इन्वाइट किया ऑल पार्टी मीट, अलगाववाद समर्थक पार्टियों को आपने इनवाइट किया, वहां आपने राष्ट्रवादी पार्टियां जो जम्मू की हैं उनके लीडर्स को तो पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया। जम्मू को दिल्ली और कश्मीर की कॉलोनी बनाना बंद कर दीजिए। जो अलगाववाद की बात करते हैं आप उन्हें गले से लगाते हो, आप उनका तुष्टीकरण करते हो। जो झंडा उठाता है, जो भारत माँ की जय बोलता है, उसको आप जेल में ठोक देते हो। यहाँ की भाजपा की जो यूनिट है ना, उसके दांत खाने के और दिखाने के। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर से कई सारे लीडरों को जो है ऑल पार्टी मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दावत दी गई है। इसी को लेकर हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी गगन प्रताप सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर इनका क्या कुछ रद्द अमल है। गगन प्रताप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार जी। गगन जी, आप इस ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर जिस तरह से होने जा रहे हो, पिछले कल के जो है वो पीएचडी की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि वो तमाम लोग उसमें जाएंगे जिन जिन लोगों को इसमें दावत दी गई है। हालांकि महबूब मुफ्ती जी की बात करें, उनका ये कहना था उसमें कि इस पर जोर दिया जाएगा, जो तमाम लीडर कश्मीर के उनको कैद किया गया है उसकी रिहाई पर ज्यादा जोर जो है वो दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के पीठ पे छुरा भोंका है। ये भारतीय जनता पार्टी जो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जो है उसको बोलती है गुपकार गैंग। इन्होंने नाम दिया है ना, इट्स ओनली द भारतीय जनता पार्टी व्हिच हैज गिवन दिस सिलेक्टिव यूफेमिज्म टू पीएजीडी। और आप इन्हीं को बोलते थे, इनके सारे बड़े बड़े नेता बोलते थे कि ये राष्ट्रीय विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, और आप इनको अब टेलीफोन कर करके न्योता दे रहे हो। अब आलम देखिए, आपने इनको न्योता दिया, इनको आपने सीधा कर दिया, आपने इनमें प्राण फूके। और कल ही आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती का बयान जो आया जी, पाक समर्थक बयान आया, और उसके साथ एक किलिंग भी होगी कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी पार्टीज को जो है एम्पावर करने की कोशिश की है, उसी समय उसी उपरांत जो है सबवर्सिव एलिमेंट्स कश्मीर के अंदर एम्बोल्डन हुआ। तीन साल जब इनकी सियासत थी ना, जब राज चल रहा था इनका बीजेपी और पीडीपी का, तब भी पाक समर्थक नारे लगते थे, फौजियों में पथराव होता था, सिविल किलिंग्स होती थी, पॉलिटिकल किलिंग्स जो थी वो चरम सीमा पे थी, पाक की तरफ से गोलाबारी हो रही थी। और अब कहीं ना कहीं उसका ट्रेलर फिर देखने को मिल रहा है। आपने इन कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज को, सारी पार्टीज को न्योता दिया आपने। और आप देख लीजिए, आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन की बात हो रही है, 35A आर्टिकल की रिस्टोरेशन की बात हो रही है, पाक को डायलॉग में इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, और आप इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। कहां गया आपका राष्ट्रवाद? मुझे तो लगता है, हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक गुपकार गैंग का हिस्सा। जहां आपने पाक समर्थक पार्टियों को इनवाइट किया ऑल पार्टी मीट में, अलगाववाद समर्थक पार्टियों को आपने इनवाइट किया, वहां आपने राष्ट्रवादी पार्टियां जो जम्मू की हैं उनके लीडर्स को तो पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल गगन जी, अगर बात करें तो जिस तरह से आपने भी कहा कि इस तरह उल्टे सीधे बयान जो है वो इनकी तरफ से आते रहते हैं कश्मीर के जो लीडर हैं, कुछ दिन पहले जो है चाइना को लेकर भी इनकी तरफ से उनके हक में बयान आया गया, और अब जो है ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने की हमें मतलब जरूरत है। तो मतलब इस तरह के जो लोग बयान देते हैं उन्हीं लोगों को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया जा रहा है। तो जो लोग हालांकि जो जम्मू कश्मीर के आवाम के हित की बात करते हैं उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा। यही तो हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से, यार जो अलगाववाद की बात करते हैं आप उन्हें गले से लगाते हो, आप उनका तुष्टीकरण करते हो। जो झंडा उठाता है, जो भारत माँ की जय बोलता है, उसको आप जेल में ठोक देते हो। यह तो आपका न्याय शास्त्र है। ऑल पार्टी मीट में आपने 15 सदस्य बुलाए हैं, 14 सदस्य जो है कश्मीर से हैं, और पैंथर्स पार्टी का हमारे नुमाइंदा प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं। अब वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ेंगे, हमें लगता है ऐसा। लेकिन हमारी नुमाइंदगी तो ऑल पार्टी मीट में होगी, लेकिन बाहर से हमारी पूरी नजर है इस बैठक पर। अगर हमें यह लगा कि इस बैठक में जम्मू के साथ फिर कोई भेदभाव होने जा रहा है, और संकेत ऐसे भी आ रहे हैं कि जो पावर ट्रांसफर फिर कहीं कश्मीर के हित में ना हो रही हो जी, तो पैंथर्स पार्टी एक वाहित पार्टी होगी जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करेगी, और हम दिल्ली में कूच करेंगे।
हम इनके लीडर्स का घेराव करेंगे और पार्लियामेंट को भी घेरेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू के साथ अब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस ऑल पार्टी मीट में जो सदस्य बुलाए हैं, हमारी उन सबसे मांग है, हमारी प्रधानमंत्री मोदी से भी हमारा उनके साथ आग्रह है कि अब जो है जम्मू कश्मीर दोनों संभागों को असेंबली सीट्स बराबर की होनी चाहिए, डेवलपमेंट फंड बराबर का होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स अब बराबर की होनी चाहिए, हर क्षेत्र में हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए, 50-50, नथिंग लेस देन 50-50 नाउ। और जो है जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें और यहां असेंबली चुनाव कराएं, क्योंकि आपने तो जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र से भी वंचित रखा हुआ है। यह हमारा संविधानिक हक है, आपने हमारे से हमारा संविधान का हक भी हमसे छीन रखा है। अब आप अलगाववाद समर्थक पार्टियों को बुला रहे हैं, पाक समर्थक पार्टियों को एपीएम में बुला रहे हैं, हम आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आपको जम्मू की लीडरशिप को भी बुलाना चाहिए था। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, तिरंगा उठाने वाले लोग हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लीडरों से ज्यादा ऊंची आवाज में नारे लगा सकते हैं। यहाँ की भाजपा की जो यूनिट है ना, उसके दांत खाने के और दिखाने के और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये यूनिट आपको मिसगाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन आपकी आप मंशा हमें अच्छी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप फिर जो तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, आप कश्मीरी सेंट्रिक फोर्सेस को, लीडर्स को आप मान्यता दे रहे हो, उनको बढ़ावा दे रहे हो। और देखिए इसका नतीजा, पाकिस्तान की तरफ से भी उल्ट पुल्ट बयान आ रहे हैं और नॉन वायलेंस की जो घटनाएं वो फिर वहां पर कश्मीर में जो है, और उसने उन्होंने अपना ऐसी हिंसक घटनाएं जो है फिर अब जो है शुरू हो चुकी हैं। पिछले कल ही एक सीआईडी कॉप की एक हत्या कर दी गई है वहां पर। जब जब कश्मीर सेंट्रिक पार्टी से देश विरोधी बयान आते हैं तो ये सबवर्सिव एलिमेंट जो है इम्बोल्डन होते हैं वहां पर, इसका ध्यान रखिए। ऑल पार्टी मीट में आपने बुला लिया है इनको, लेकिन ये अपने मुद्दे पे कायम है। इनके पीएचडी का कॉमन एक बयान आया है कि ये आर्टिकल 370-35 एक रिस्टोरेशन की बात करेंगे, स्पेशल टेस्ट की बात करेंगे और इसके अलावा इन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। हम आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं कि जिस तरह से कश्मीर के काफी सारे लीडर्स को वहां पे बुलाया गया, हालांकि जम्मू के उतने लीडर्स को नहीं बुलाया गया जितने कश्मीर को बुलाया गया है, क्या लगता है कि कश्मीर के जो लीडर्स वहां पे जा रहे हैं वो जम्मू की बात करेंगे, क्या जम्मू के युवाओं के हित की बात करेंगे वो वहां पे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको लगता करेंगे? उनका एक ही एजेंडा है, उन्होंने बात मनवाने की पूरी कोशिश करनी है। उनका कल ही बयान आया है कि वो अपने जो उनका प्लैंक है उसमें वो खड़े हैं, जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो उसके साथ है और वो अपने वही कश्मीरी राग अलापेंगे वहां पर। जम्मू से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि भाई अब आप जम्मू को दिल्ली और कश्मीर की कॉलोनी बनाना बंद कर दीजिए। जम्मू की बात सिर्फ जम्मू की पार्टी कर सकती है और जम्मू की पार्टी जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, हमारे नुमाइंदे प्रोफेसर वहां होंगे, हमने उनको पूरा ब्रीफ किया है और पूरी तैयारी के साथ वहां जो है होंगे, लेकिन हमारी नजर इस ऑल पार्टी मीट पे भी होगी। अगर कोई कोताही बरती आपने जम्मू खित्ते के खिलाफ तो पैंथर्स पार्टी आपको छोड़ेगी नहीं, आपको कटघरे में खड़ा करेगी। ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ बड़ा होने वाला है जहां ये मीटिंग भी केवल ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर रहेगी? ये बड़ा क्या होता है, जो भी होगा वो संविधान के दायरे के अंदर ही होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा तो नहीं पर बीजेपी का पाप का घड़ा भर रहा है। लेकिन अगर कुछ भी हमारे साथ जम्मू के साथ अगर कुछ भेदभाव होता है, कुछ भी हमें ऐसे संकेत मिले, तो फिर वी हैव टू बी ऑन रोड्स नाउ, पीपल हैव टू बी ऑन रोड्स। और मैं आपके माध्यम से जम्मू की सारी पार्टियों से निवेदन करूंगा, आओ लेट अस स्टैंड ऑन वन प्लैंक, लेट्स स्टैंड यूनाइटेड। हमें कश्मीरी पार्टियों से सीखने की जरूरत है। जी आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आखिर जम्मू की टॉप लीडरशिप को क्यों इग्नोर किया गया इस ऑल पार्टी मीटिंग में, और इस ऑल पार्टी मीटिंग में उन लोगों का जाने की जो जम्मू की टॉप लीडरशिप है उनका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं आया? करण सिंह जी की अगर बात करें, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर जो लोग हालांकि प्रोटेस्ट करते रहे, लगातार मांग करते, लेकिन वो तो नहीं दे पाए, और भी कई सारे करण सिंह जी के साथ साथ कई सारे टॉप लीडरशिप हैं, लेकिन उनका कहीं भी इसमें नाम जो है वो नहीं आया। हमारी समझ से तो बाहर है ये सवाल, आपको भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए जो राष्ट्रवाद की बड़े बड़े नारे देती है और कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर। आज आपने राष्ट्रवादी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया। जम्मू में और भी बहुत लोग थे, और देखिए डोगरा स्वाभिमान संगठन से भी आप बुला सकते थे, बिल्कुल डोगर प्रदेश पार्टी से भी अपने नेताओं को बुला सकते थे। आप पीओजे के जो हमारे ये जो रिफ्यूजीज हैं, डिस्प्लेस पर्सन हैं, इनके लीडरान को भी बुला सकते थे। सदर सभा की तरफ से, डोगरा सदर सभा की तरफ से आप लीडर्स को बुला सकते थे। जी जी। डॉक्टर करण सिंह की तो आपने बात की,
उनको भी आप बुला सकते थे जी जी। मंशा ठीक नहीं है, इंटेंशंस आर नॉट गुड, इट सीम्स दैट भारतीय जनता पार्टी इज बायस्ड टुवर्ड्स जम्मू, इट सीम्स देर आर सिग्नल्स दैट समथिंग समथिंग यू नो सस्पिशियस इज गोइंग टू हैपन एंड विच वॉट विल हैपन इट विल गो इन कश्मीर फेवर, दैट्स वॉट वी फील एंड इफ दिस हैपन्स देन पैंथर्स पार्टी विल कम आउट, विल टेक द स्ट्रीट्स, विल मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, विल गेट आउट द पार्लियामेंट, विल गेट आउट द भारतीय जनता पार्टी लीडर्स एंड मेक श्योर दैट नो मोर डिस्क्रिमिनेशन इज मीटेड टू जम्मू रीजन। चलिए सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जी, जिन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और ये कहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जम्मू के साथ एक बड़ा भेदभाव किया गया है, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि जब तक जम्मू के साथ भेदभाव होता रहेगा तो उसके खिलाफ हमेशा इनकी जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जम्मू की आवाम को जो है वो इंसाफ दिलाएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन, अपने साथी को दीजिए इजाज़त।